हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली 896 वैकेंसीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इन वैकेंसीज़ की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इन वैकेंसीज़ के लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 18 जून 2020 को। एडवर्टीजमेंट नंबर है 36/2020। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 22 जून 2020 से और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 21 जुलाई 2020 तक। तो आप इसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 जुलाई 2020 से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और फॉर्म भरना शुरू होंगे 22 जून 2020 से। अब इसके लिए आपको अप्लाई करना कैसे है, तो आपको hpssp.hp.gov.in पे जाके इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा। बात करते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और इस सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करने से पहले बात करते हैं वैकेंसीज़ कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी निकली हैं। तो वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जिसका पोस्ट कोड है 796 और इसके लिए एक पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वीडियो फिल्म एडिटर की पोस्ट है 797, इसका पोस्ट कोड है, वैकेंसी है 1। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर्वेयर की पोस्ट 798, पोस्ट कोड एंड टोटल वैकेंसी इज 17। नेक्स्ट वैकेंसी है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 799, पोस्ट कोड एंड टोटल वैकेंसी इज 81। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जूनियर ड्राफ्ट्समैन 800, पोस्ट कोड एंड 14 वैकेंसीज। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि HRTC में लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकली है 801, इसका पोस्ट कोड है और सीट हैं इसमें एक। HPSIDC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट है 802, वैकेंसी रहेगी इसमें एक। नेक्स्ट है HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला क्लर्क की वैकेंसी है 803, पोस्ट कोड और वैकेंसी रहेगी एक। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ्थैल्मिक ऑफिसर एलोपैथी 804, इसका पोस्ट कोड एंड टोटल वैकेंसी इसमें 4 हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट 805, इसका पोस्ट कोड रहेगा और एक वैकेंसी है इसमें। HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 806, पोस्ट कोड है और 2 वैकेंसीज हैं इसमें। HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड है 807, वैकेंसीज रहेंगे इसमें 3। नेक्स्ट AC डिपार्टमेंट में वैकेंसी है मार्केटिंग असिस्टेंट की 808, पोस्ट कोड 3 वैकेंसीज। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 809, पोस्ट कोड 14 वैकेंसीज रहेंगी इसके लिए। मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट 810, इसका पोस्ट कोड है एंड 9 वैकेंसीज रहेंगी। प्लांट ऑपरेटर 811, पोस्ट कोड 6 वैकेंसीज। जल शक्ति विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है 812, पोस्ट कोड रहेगा और 4 वैकेंसीज। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में शास्त्री की पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड रहेगा 813, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज रहेंगी तो बिलासपुर में 23, चंबा में 57, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 66, किन्नौर में 11, कुल्लू में 29 वैकेंसीज, लाहौल एंड स्पीति 11, मंडी के लिए 86। तो इस तरह से टोटल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज मिला के इसकी बनेगी शास्त्री के लिए 454 वैकेंसीज। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचर की वैकेंसीज़, पोस्ट कोड रहेगा 814 और इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं निकाली गई वो हैं 229। नेक्स्ट रहेगा HPSEBL यानी कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हिमाचल का, उसमें वैकेंसी निकली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की, इसके लिए आपका 815 पोस्ट कोड है और 45 जो है इसमें वैकेंसीज रहेंगी। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही दूसरी पोस्ट निकाली गई है जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए 816, पोस्ट कोड है और 5 जो है इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं कि कितना आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए यानी कि कितनी आपने एजुकेशन की होनी चाहिए तब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे 796, पोस्ट कोड जो कि है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। तो इसके लिए आपकी 10+2 पास होनी चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और मिनिमम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है आपका 797, पोस्ट कोड जो कि है वीडियो फिल्म एडिटर का। इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए आप और आपके पास डिग्री होनी चाहिए फिल्म एडिटिंग की या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिल्म एडिटिंग का।
अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 3 साल का जो है होना चाहिए एटलीस्ट जो डिप्लोमा है आपका, और उसी के साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिल्म एडिटिंग का या फिर वीडियो टेप एडिटिंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी जो दूरदर्शन केंद्र है उसमें। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है 798 जिसका नाम है सर्वेयर का, तो इसके लिए आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर का। नेक्स्ट पोस्ट कोड 799 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए और आपने जो है ट्रेनिंग की होनी चाहिए एटलीस्ट 2 साल की, किसमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में, या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए फार्मेसी आयुर्वेदा का, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी आयुर्वेदा की। 800 पोस्ट कोड जो कि है जूनियर ड्रॉट्समैन का, इसके लिए आप मैट्रिकुलेट पास होने चाहिए और 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन ट्रेड का। नेक्स्ट है आपका 801 लॉ ऑफिसर के लिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। JEE इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इसके लिए आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट रहेगा आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए 803 पोस्ट कोड, तो इसके लिए आपकी 10+2 पास होनी चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग जो है कंप्यूटर पे होनी चाहिए। और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो रिक्रूट किए जाते हैं अंडर 1% कोटा, उनको जो है सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी कंप्यूटर ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में उनको जो है जो चांसेस दिए जाएंगे 3 चांसेस, उनमें उनको जो है इसको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो है आपको वर्ड प्रोसेसिंग का भी इसमें नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफ्थेल्मिक ऑफिसर एलोपैथी 804 पोस्ट कोड, तो इसके लिए आपकी 10+2 साइंस में पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए इन ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंटशिप और या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई, या फिर आपने BSc डिग्री होनी चाहिए ऑफ्थेल्मोलॉजी, कहाँ से की होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री की होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो HP गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लेबर इंस्पेक्टर 805 पोस्ट कोड, तो इसके लिए आपके पास अगर बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 806 पोस्ट कोड जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, इसके लिए आपने या तो MSc किया होना चाहिए या फिर BSc किया होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 807 पोस्ट कोड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसके लिए आपने MSc किया होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेयरी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है मार्केटिंग असिस्टेंट 808 पोस्ट कोड, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBA की, और MBA की होनी चाहिए इन मार्केटिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग फील्ड का। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 809, इसके लिए आपने 4 साल की फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आपका है मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट 810 पोस्ट कोड, तो इसके लिए आपकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट हो स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ HP गवर्नमेंट का, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज से हैविंग रूरल बैकग्राउंड, या फिर मैट्रिक होनी चाहिए हैविंग अ रूरल बैकग्राउंड और उसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिल्क प्रोक्योरमेंट वर्किंग का और इनपुट एक्टिविटीज़ अंडर एनी मिल्क यूनियन और जो मिल्क फेडरेशन के अंडर आती हैं, या फिर सेक्रेटरीज ऑफ विलेज डेयरी कोऑपरेट सोसाइटीज़ जो कि मेट्रिकुलेट्स हैं और उनके पास डिप्लोमा है अगर कोऑपरेशन का विद एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग एज सेक्रेटरीज का। तो सेक्रेटरीज जो हैं विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो सेक्रेटरीज हैं विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि मेट्रिकुलेट हैं और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एज सेक्रेटरी विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। नेक्स्ट है प्लांट ऑपरेटर 811 पोस्ट कोड, आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर या फिर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर रेफ्रिजरेशन का। कंप्यूटर ऑपरेटर 812, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर IT या फिर कंप्यूटर साइंस की, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और
डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, या फिर आपने ए लेवल कोर्स जो है डोएक सोसाइटी या फिर NIELIT से पास किया हो। नेक्स्ट है 813 शास्त्री जो पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए आपने जो है वो शास्त्री पास की होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हो HP गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके साथ ही साथ आपने पास किया हो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि कंडक्ट करवाया गया हो HPSSSB हमीरपुर के द्वारा या फिर HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है लैंग्वेज टीचर 814 पोस्ट कोड, इसके लिए आपने BA की होनी चाहिए और BA में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने BA की हो 50% मार्क्स के साथ हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए यानी कि BEd किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने BA 45% मार्क्स के साथ की है हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और 1 साल का BEd आपने किया हो इन अकॉर्डेंस विद NCTE, या फिर BA आपकी 50% मार्क्स और हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर प्रभाकर ऑनर्स इन हिंदी 50% मार्क्स के साथ की हो BA एग्जामिनेशन के बाद, और BA में इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इसमें जिसमें आपने 50% मार्क्स जो हैं आपके लिए हों और 1 साल का आपके पास BEd आपका किया होना चाहिए। अगर आपने MA हिंदी किया है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का BEd है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए, और इनमें से एक तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपने जो TET जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास किया होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है 815 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, तो इसके लिए आपका BCom जो है वो ज़रूरी रहेगा। और लास्ट पोस्ट जो है इसमें 816 पोस्ट कोड जो कि है जूनियर ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रॉट्समैन ट्रेड के बीच में। तो आगे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें कि ये अगर आपकी होती है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपनी जॉब पाने में। तो पोस्ट कोड 796 के लिए आपके पास सुपरवाइजिंग या फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑयल फाइड बॉयलर्स का एक्सपीरियंस हो तो उसमें आपको जो है प्लस पॉइंट दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर हो केमिकल इंडस्ट्री डीलिंग विद कोरोसिव एंड हाईली इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, नॉलेज कस्टम डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए इसके लिए। पोस्ट कोड 797 के लिए गुड नॉलेज ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड आर्ट ऑफ स्टेट। पोस्ट कोड 798 टू 800 802 टू 814 एंड 816 के लिए कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट ऑफ HP का आपको नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट कोड 801 के लिए 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है लीगल वर्क का होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर होने चाहिए आप, या तो एडवोकेट या फिर प्लीडर, और आपने जो प्रैक्टिस की होनी चाहिए वो कम से कम 2 साल की कोर्ट में जो है वो की होनी चाहिए। पोस्ट कोड 815 की बात करें तो इसके लिए आपने ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी हो यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली SAP और ERP में। अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो पार्ट वन जो होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का जिसमें 170 क्वेश्चन होंगे, और आपको जो उसमें टाइम दिया जाएगा वो मिलेगा टाइम आपको 2 घंटे का, और इसमें हर एक क्वेश्चन जो हाफ मार्क आपको दिया जाएगा। तो इसमें जो 796 पोस्ट कोड टू 802 और 804 पोस्ट कोड 806 टू 816, तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 170 क्वेश्चन का उसमें से 120 क्वेश्चन आपके होंगे जो सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे GK ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड के। 803 पोस्ट कोड की अगर बात करें तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 170 क्वेश्चन का, उसमें आपके क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, लॉजिक, जनरल इंग्लिश ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड और हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, और इसमें आपका जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी जो है वो टाइप करने पड़ेंगे, और ये उनके लिए होगा जिन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर किया होगा। तो ये है 803 के लिए, और 805 पोस्ट कोड के लिए आपका 170 क्वेश्चंस का पेपर कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें पूछी जाएगी, और पार्ट टू जो आपका होगा उसमें आपकी वैल्यूएशन होगी 15 मार्क्स की
जिस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से मार्किंग जो है इसकी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया की, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 18 से लेके 45 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अब फीस की। सो फॉर जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विस मैन ऑफ HP, तो इनके लिए रहेगी 360 रुपीज़ फीस। जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ HP, SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL, EWS, BPL, तो इनके लिए फ़ीस रहेगी आपकी 120 रुपये। और फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ HP जो रहेंगे उनके लिए कोई भी फीस जो है इसमें नहीं ली जाएगी। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।